हे व्हाट्स अप पीपल, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है अभिनव और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट और बिना किसी कोडिंग स्किल के। तो फिर चलो यार राइट पे बताता हूँ इसके बारे में। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको wix.com पे आना होगा। मैंने इस वेबसाइट को इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि इस वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो काफ़ी इजी, सरल, सिंपल, आसान, जो भी कहो वो है, जिसे कोई भी इजीली यूज़ कर सकता है। और सेम स्टेप आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं मोबाइल फ़ोन पे इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर कोई 24x7x365 अपने कंप्यूटर या लैपटॉप लेके नहीं घूमता, लेकिन अपने मोबाइल फ़ोन को लेके ज़रूर चलता है। तो फिर चलो ना यार जल्दी से वेबसाइट क्रिएट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो लोड होता है। लोड होने के बाद लॉगिन और साइन अप का पेज आता है। सिंपली आपको कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे आपका ऑटोमेटिकली साइन अप हो जाएगा। उसके बाद फिर कुछ इस तरह का पेज सामने खुल के आएगा जहाँ पे ऑप्शन रहेगा गेट स्टार्टेड का, उस पर आपको क्लिक करना। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ योर वेबसाइट फॉर, मतलब आपका जो वेबसाइट है किस चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस देखने को मिलता है। अगर आपका कोई ऑप्शन है तो आपको सिलेक्ट करना, अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिए। ऊपर की तरफ आपको राइट कॉर्नर में स्किप का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना। फिर यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा कि डज योर वेबसाइट नीड एनी ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, मतलब आप इसमें से क्या यूज़ कर रहे हैं। सेल ऑनलाइन, टेक बुक एन अपॉइंटमेंट, गेट सब्सक्राइबर्स, क्रिएट अ ब्लॉग। तो मैं सिंपली सेल ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ एग्जांपल के तौर पर। फिर ऊपर आपको दिखेगा राइट कॉर्नर साइड एरो, उस पर क्लिक करना आपको। फिर यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का नाम इंटर करना होगा। ठीक, तो मैं सिंपली अपने चैनल का जो नेम है मेरा वो मैं इंटर कर देता हूँ, स्वैंकी अभी। मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा और उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पे एरो का सिंबल आएगा, उस पर मुझे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे आपसे आपका लोकेशन पूछा जाएगा। तो जो आपका करंट लोकेशन है, मतलब कि जो आपको परमानेंट लोकेशन है, वो आपको एंटर करना होगा। मैं यहाँ पे कोई भी फेक लोकेशन डाल देता हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पे यंगस्टन OHUSA करके एक ऑप्शन है, मैंने उस एड्रेस को सिलेक्ट किया। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से एरो का ऑप्शन आता है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आएगा इज योर बिजनेस ऑलरेडी ऑनलाइन। तो अगर आपका कोई बिजनेस ऑनलाइन ऑलरेडी रन कर रहा है तो अगर आप एरो पे क्लिक करेंगे तो वो सर्च करेगा। तो उसे अगर कोई, जैसे मेरा नहीं था तो उसने कह दिया कि हमें कोई ऐसा वेबसाइट और ऐसा कोई बिजनेस नहीं मिला। तो फिर आपको सिंपली कीप गोइंग पे क्लिक करना। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो सामने खुल के आता है। तो यहाँ पे आप अपने इन्फॉर्मेशन को एंटर कर सकते हैं, जो आपने पीछे किया था और आपने कुछ अगर छोड़ दिया था तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आप अपने लोगों को डाल सकते हैं, यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आपको गैलरी में जाना और जहाँ पे आपका फोटो या आपका जो लोगो है बेसिकली उसे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं इस केस में अपना फोटो एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद उस पर क्लिक करने के बाद ये लोड होगा। लोड होने के बाद यहाँ पे आपका जो फोटो या आपका जो लोगो है वो सामने खुल के आता है। आप यहाँ पे अपने सोशल मीडिया के लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, अपने फ़ोन नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फोन नंबर का ऑप्शन है, वहाँ पे आप अपने फोन नंबर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर ऊपर राइट कॉर्नर साइड आपको एरो दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट सामने खुल के आते हैं जो आपको सेलेक्ट करने होंगे, डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन से। उसमें से आप कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए, बहुत सारा है, जितना जो आपको पसंद है वो कर लीजिए। तो मैं इसमें कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि सेलेक्ट तो करना ही है। तो मैं एक एलिगेंट वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा क्लासिक के बगल में, एलिगेंट, उसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। उस पर क्लिक करना है आपको। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको लिखेगा लेट्स गेट यू अ वेबसाइट, बिल्ड साइट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये आपका जो होम पेज होगा वो खुल के सामने आएगा। ठीक, तो लोड होता है आपके वो इंटरनेट पे, बेसिकली डिपेंड करता है कितना फास्ट आपका इंटरनेट चल रहा है उसके हिसाब से। फिर यहाँ पे आपको उसके बाद ये लोडिंग होगा। उसके बाद इस तरह का कुछ पेज सामने खुल के आता है, फिर ऑटोमेटिक लोडिंग होता है। उसके बाद फिर आपसे जो पीछे क्वेश्चन पूछे गए थे ठीक उसी तरह का सेम क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ा देता हूँ। मैं इसे सिंपली इसे फिल कर देता हूँ, आप भी फिल कर सकते हैं। जो आपने पीछे फिल किया था वो सेम चीज़ यहाँ पे फिल करना होता है, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुल के सामने आता है जो बेसिकली आपका होम पेज होता है। ठीक, उसके बाद इस पर आपको यहाँ पे आप अपने वेबसाइट, अपने होम पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिज़ाइन का ऑप्शन दिखेगा ऊपर में, वहाँ पे थीम के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे बहुत सारे थीम हैं, जिसमें से कोई एक थीम आपको सिलेक्ट करना जो आपको पसंद है। तो यहाँ पे मैं सोफिस्टिकेटेड पे क्लिक करता हूँ, तो उस तरह का जो मेरा डिज़ाइन है, उस तरह का जो थीम है वो अप्लाई हो जाता है। उसके बाद फिर जो मेरा
होम पेज है, जो मेरा वेबसाइट का जो पेज है वो कुछ इस तरह का दिखने को लगता है। ठीक, उसके बाद फिर आप ऊपर की तरफ और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि फॉन्ट का होता है, कलर का ऑप्शन होता है, एनिमेशन का ऑप्शन होता है, तो आप कुछ भी उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मुझे अब अपने एनिमेशन को चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने डिज़ाइन पर क्लिक करूँगा। फिर डिज़ाइन पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर एनिमेशन का ऑप्शन दिखेगा। ठीक, जैसे आप एनिमेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का एनिमेशंस का कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे फेड, फ्लोट, स्लाइड, फ्लाई, फोल्ड, कुछ इस तरह के ऑप्शंस हैं। उनमें से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। जिस तरह का आप सिलेक्ट करते हैं उस तरह का जब भी आपका वेबसाइट का पेज खुलेगा, जब भी आपका वेबसाइट खुलेगा तो उस तरह से आपका आएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे प्रीव्यू हो रहा होगा, जैसे मैंने स्लाइड पे क्लिक किया, फ्लाई पे क्लिक किया, तो जो टेक्स्ट है वो उस तरह का एनिमेशन हो रहा है। ठीक, तो जो टेक्स्ट है वो उस तरह से क्रिएट होते जा रहा है। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं सिंपली। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ किसी साइड में आपको क्लिक करने से, आप साइड में क्लिक करते हैं तो वो जो पेज है हट जाता है। उसके बाद यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन होता है, कलर्स के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। कलर्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक, तो जैसे आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जो कलर है उस पर एक पेंसिल का साइन बन के आता है। तो जैसे पेंसिल का साइन बन के आया, उस पर मुझे क्लिक करना है, और जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो अब बहुत सारे कलर्स हैं यहाँ पे आ जाते हैं। तो किसी एक कलर को सिलेक्ट करना है आपको। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो जो मेरा पेज है वो उस कलर का हो गया, जिसका डिज़ाइन है उस तरह का हो गया है। ठीक, फिर यहाँ पे फॉन्ट का भी ऑप्शन रहता है, तो आप किसी कौन सा फॉन्ट आपको लेना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको किस साइज का आपको रखना है, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, जिस तरह का रखना है उस तरह कर सकते हैं। तो कोई एक फॉन्ट आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने टाइमलेस पे क्लिक किया तो टाइमलेस पे जैसे मैंने क्लिक किया तो कुछ इस तरह के जो मेरा टेक्स्ट है उस तरह कन्वर्ट हो चुका है। ठीक, उसके बाद फिर आप इसे काट दीजिए। काटने के बाद वहाँ पे आपको ऊपर की तरफ जो यहाँ पे होता है ना, कि बेसिकली ये क्या हो रहा है कि आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सेव ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे प्लस का जो आपको साइन दिख रहा होगा, प्लस के साइन पे आपको क्लिक करना होता है। और जैसे आप प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं तो आपका जितना भी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सब टाइटल जो होता है वो आ जाता है। अगर आपको उसको चेंज करना, अपने मन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं कि आपको क्या लिखना है उस पर, अपने बारे में क्या लिखना है, तो आप सब कुछ लिख सकते हैं। जैसे मैंने सब टाइटल को चेंज करना है मुझे, तो मैं सब टाइटल को चेंज कर रहा हूँ। तो पहले कुछ लिखा था, अब मैं इसे चेंज करके लिख देता हूँ, हाउ कैन वी मेक योर डे। ठीक, आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं, तो आप उस तरह अपने मन से आप खुद कर सकते हैं। ठीक, जैसे मैंने उसे चेंज कर दिया तो यहाँ पे टाइटल के बाद जो सब टाइटल है वो कुछ उस तरह का दिख रहा होगा। फिर आप प्लस के साइन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल के आएगा कि आपको कुछ कुछ सेक्शंस डालने होते हैं, मतलब कि आपका क्या प्रोडक्ट है, आप किसके बारे में बता रहे हो, आपका जो वेबसाइट है वो किस चीज़ पे है, तो आप उसमें बेसिकली फोटोज डाल सकते हैं। बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन होता है जो कंप्यूटर में होता है, लेकिन यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो वो आपका ऑटोमेटिक वहाँ पे अपलोड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, कोई फोटोज एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, प्रोडक्ट को नेम रीनेम कर सकते हैं वहाँ पे। तो इतने सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, उससे भी ज़्यादा बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाता है। उसके बाद फिर आपको प्रीव्यू देखना है, तो प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको देखना है कि आपका जो डेस्कटॉप पे किस तरह का दिखेगा। बेसिकली आपको अभी छोटा सा दिख रहा है, लेकिन इस तरह दिखता नहीं है, तो इस तरह आपको नहीं दिखेगा। बेसिकली आपको फुल स्क्रीन में दिखेगा, जैसे आपने मेरे वीडियो शुरू होने से पहले आपने देखा होगा, उसी तरह आपको दिखेगा। ठीक, उसके बाद फिर आपका जो प्रीव्यू होगा वो मोबाइल में कैसा होगा, तो वो उस तरह भी आप देख सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, मोबाइल प्रीव्यू पे क्लिक करना होगा। उसका जो मोबाइल में जिस तरह आपको दिखेगा, तो ये आपके फ़ोन में इस तरह आपको दिखेगा। मतलब कि अगर आप फ़ोन से अपने वेबसाइट को एंटर करते हैं तो इस तरह का कुछ आपको सामने देखने को मिलता है। ठीक, तो लुक काफ़ी अच्छा है, और आप चाहें तो जितने अच्छा से चाहें आप उतने अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड। फिर ऊपर आपको कट का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हैं। क्लोज़ करने के बाद एक ऑप्शन आता है पब्लिश का, फाइनली जो ऑप्शन है वो पब्लिश का ही होता है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक, पब्लिश पर आप क्लिक जैसे करते हैं तो दो ऑप्शन आपको सामने खुल के आते हैं। ठीक, दो डोमेन आपको होगा, एक फ्री का डोमेन और एक जो होगा वो आपको परचेज करना होगा। तो अगर आप फ्रीली बनाना चाहते हैं तो आपको सिंपली आएगा आपका जो फिक्स डोमेन देता है आपको, बस वहाँ पे वेबसाइट को आप एडिट कर सकते हैं, वहाँ पे वेबसाइट के बदले आप कुछ लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपना खुद का एक डोमेन किए करें तो आपको वो परचेज करना होगा। ठीक, तो मुझे फ्री बनाना है तो मैं बस वेबसाइट को एडिट कर देता हूँ। वेबसाइट को मुझे एडिट करना, वेबसाइट पर मैं क्लिक करता हूँ उस ऑप्शन पर, और उस पर मैं वेबसाइट को एडिट करके स्वैंकी अभी लिख देता हूँ। ठीक, तो जैसे मैं इसे लिखता हूँ,
मुझे बस अभी सिंपली लिख देना है। उसके लिखने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे एंटर का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको, तो यहाँ पे कीबोर्ड के पास आपको एक एरो का ऑप्शन होता है, उसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे प्रोसेस होगा, लोडिंग होता है, लिखाएगा लोडिंग द फ्यूचर। उसके बाद सब कुछ होने के बाद आपका जो पेज होगा, मतलब आपका पेज होगा वो, उसके बाद सब कुछ होने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपको सामने खुल के आता है, जहाँ पे आपको दिखेगा कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर वेट फॉर इट, फिर प्रोसेस होता है। प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन सब कुछ हो जाता है, ठीक ना। उसे कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन आता है यहाँ पे, और कॉन्ग्रेचुलेशन के यहाँ पे आपको दिखेगा व्यू साइट, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा व्यू साइट, उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरह का सामने खुल के आता है, तो लुक जो है वो काफ़ी अच्छा है वो, और आप जितना अच्छे से चाहे उतने अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक। तो बताओ यार कैसी लगी ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो ठोक दो लाइक, अगर कुछ भी समझ में ना, अगर रस्ती सा भी अगर डॉट हो ना तो पूछ लो कमेंट में, पूछना फ्री है। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ अगर जिन्हें वेबसाइट क्रिएट करना, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले और नए एक्साइटिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।